मेरा नाम है मानव और मैं पिछले ऑलमोस्ट 10 सालों से इन लोगों के लिए हाई क्वालिटी वीडियोस बना रहा था, बट नाउ आई हैव डिसाइडेड टू गिव इट ऑल बैक टू यू गाइस। तो अगर आप एक ग्राफिक डिजाइनर हो, जैसे फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर तो आता है, बट नाउ यू वॉन्ट टू एड सम कूल एनिमेशंस इन योर डिजाइन, या फिर अगर आप एक वीडियो एडिटर हो, जैसे प्रीमियर प्रो तो अच्छे से आता है, बट नाउ यू वॉन्ट टू लेवल अप द क्वालिटी ऑफ योर वीडियोज विद सम कूल ग्राफिक्स एंड विजुअल इफेक्ट्स, then this course is made for you. That is getting started with Adobe After Effects. इस कोर्स में मैं अपने फेवरेट सॉफ्टवेयर Adobe After Effects को जीरो से लिटरली 100 तक समझा रहा हूँ। टोटल में इसके अंदर 50 से ज्यादा चैप्टर्स हैं, which is roughly around 7 hours of recorded learning. और इसके अलावा हर महीने लाइव सेशंस भी रहेंगे, जहाँ मैं आपके प्रोजेक्ट्स को रिव्यू करूंगा, आपकी एक एक प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा, एंड आई एम इवन गोना गाइड यू ऑन हाउ टू गेट फ्रीलांस वर्क एंड फुल टाइम जॉब्स इन दिस इंडस्ट्री। सो नाउ लेट्स क्विकली चेक आउट व्हाट यू आर गोइंग टू लर्न इन दिस कोर्स। तो इस कोर्स में टोटल 11 मॉड्यूल्स हैं, जिसमें सबसे पहला है व्हाई वी यूज आफ्टर इफेक्ट्स। इस मॉड्यूल में हम इस सॉफ्टवेयर की अलग अलग कैपेबिलिटीज को समझेंगे, जिससे आपको एक आइडिया मिलेगा कि इस सॉफ्टवेयर को सीखने के बाद आप एक्चुअली में क्या क्या कर सकते हो। इसके बाद मैं आपको एक एक्सक्लूसिव ब्लॉग पोस्ट का एक्सेस प्रोवाइड कराऊंगा, जहां आप अपने बजट के हिसाब से अपना पीसी बिल्ड कर सकते हो। फिर है अपना मॉड्यूल 2, सेटिंग अप आफ्टर इफेक्ट्स एंड इट्स पैनल। इसमें हम सबसे पहले आफ्टर इफेक्ट्स के इम्पोर्टेंट प्रेफरेंसेस को समझेंगे। फिर हम इस सॉफ्टवेयर के अंदर अपना कस्टमाइज वर्कस्पेस डिजाइन करेंगे, यहाँ मैं आपको अपना डुअल स्क्रीन वर्कस्पेस भी दिखाऊंगा। और फिर हम अलग अलग तरह की फाइल्स को अलग अलग तरीके से इस सॉफ्टवेयर के अंदर इम्पोर्ट करना सीखेंगे। थर्ड मॉड्यूल में मैं सबसे पहले आपको इस सॉफ्टवेयर की टाइमलाइन में नेविगेट करना सिखाऊंगा विद द हेल्प ऑफ शॉर्टकट कीज। फिर हम अपने प्रोजेक्ट पैनल और अपनी कॉम्पोजिशन पैनल के इन बटन्स को समझेंगे डिटेल में विद एग्जांपल्स। और इसके बाद हम एक एक करके इन सारे बटन्स को एक्सप्लोर करेंगे, जैसे कि ट्रैक पैनल, ब्लेंडिंग मोड्स, मोशन ब्लर एंड सो ऑन। एंड देन आई विल शो यू हाउ टू डू टाइम रिमैपिंग इन दिस सॉफ्टवेयर। फोर्थ मॉड्यूल में विल डाइव डीप इनटू ऑल दी टूल पैनल्स, जहां हम एक एक करके इन सारे टूल्स को डिटेल में एग्जांपल के साथ एक्सप्लोर करेंगे, क्योंकि ये सारे टूल्स ही काफी इंपॉर्टेंट है। तो इन सब पे मैंने एक एक डेडिकेटेड वीडियो रखा है, एंड ऑब्वियसली साथ में प्रैक्टिस करने के लिए इस कोर्स में यूज करी जाने वाली सारी फाइल्स आपके पास ऑलरेडी डाउनलोडेड रहेंगी। नेक्स्ट मॉड्यूल मॉड्यूल 5 में मैं आपको एक एक करके आफ्टर इफेक्ट्स के इन सारे पैनल्स को डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, जिससे आपको एक आइडिया मिलेगा कि कौन से पैनल को किस सिचुएशन में यूज करना है। ऑब्वियसली इसे भी हम एग्जांपल के साथ ही एक्सप्लोर करने वाले हैं। और फिर मॉड्यूल 6 में हम एक्सप्लोर करेंगे की फ्रेम्स, जो कि किसी भी चीज में मोशन ऐड करने का सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। सो वी विल एक्सप्लोर की फ्रेम सेटिंग्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ की फ्रेम्स, एंड देन आई विल शो यू हाउ टू यूज ग्राफ एडिटर्स। हम यहाँ स्पीड ग्राफ और वैल्यू ग्राफ दोनों ही डिटेल में एग्जाम्पल के साथ समझने वाले हैं। और फिर मॉड्यूल 7 में हम अपनी फुटेज के अलावा बाकी की लेयर्स को एक्सप्लोर करेंगे, जो कि सिर्फ आफ्टर इफेक्ट्स में ही क्रिएट करी जाती है, जैसे कि शेप लेयर्स, सॉलिड लेयर्स, एडजस्टमेंट लेयर्स, नल ऑब्जेक्ट, कैमरा लेयर, 3D लाइट्स एंड मच मोर। मॉड्यूल 8 में हम अपने इफेक्ट्स और प्रीसेट वाले पैनल को डिटेल में एक्सप्लोर करेंगे, जहां हम अपनी फुटेज में मल्टीपल इफेक्ट्स ऐड करके अपना डिजायर्ड रिजल्ट अचीव करेंगे। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आई विल गाइड यू ऑन हाउ टू एक्सप्लोर ऑल दी इफेक्ट्स दैट आर अवेलेबल इन दिस सॉफ्टवेयर, which is the most important thing when it comes to learning a software like After Effects. अब next module 9 में हम explore करेंगे tracking panel, जहाँ हम सबसे पहले अपनी किसी भी footage को motion tracking की मदद से stabilize करेंगे, क्योंकि obviously ये warp stabilizer काफी जगह weird से result देता है, something like this. और फिर हम सीखेंगे कैमरा ट्रैकिंग, जिसे हम अपने किसी भी सीन में 3D एलिमेंट्स ऐड कर पाएंगे, something like this. नेक्स्ट मैं आपको अपनी फुटेज में किसी भी ऑब्जेक्ट का मोशन ट्रैक करना सिखाऊंगा, जिसे सीखने के बाद आप किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट के अंदर अलग अलग तरीके के एलिमेंट्स ऐड कर सकते हो। तो बेसिकली हमने जो भी पिछले 8 मॉड्यूल्स में सीखा होगा, वो सारी नॉलेज हम इस मॉड्यूल में अप्लाई करेंगे। इसके बाद मॉड्यूल 10 इज गोइंग टू बी द स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑफ ऑल द लाइव सेशंस दैट आर गोइंग टू टेक प्लेस एवरी मंथ, जहां आपके प्रोजेक्ट्स को रिव्यू कर रहा हूं, आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहा हूं, एंड आई एम आल्सो गाइडिंग यू ऑन हाउ टू गेट फ्रीलांस वर्क एंड फुल टाइम जॉब्स इन दिस इंडस्ट्री। एंड लास्टली मॉड्यूल 11 इज गोइंग टू बी फिल्ड विद बोनस लेसन्स। इस बोनस लेसन में काफी सारी एडवांस चीजें होंगी, जो कि आपको पिछले के मॉड्यूल्स देखने के बाद ही समझ आएंगी। एंड ऑफ कोर्स आफ्टर इफेक्ट्स के आने वाले फ्यूचर अपडेट्स में अगर कोई भी नई चीज रिलीज होती है, तो उसके बारे में भी आपको सारी डिटेल इसी बोनस वाले मॉड्यूल में ही मिलेगी। सो दिस वाज द ओवरव्यू ऑफ दिस कोर्स। इस कोर्स को खरीदने के बाद आपके पास इसका लाइफ टाइम एक्सेस रहेगा, तो फ्यूचर में अगर आपको किसी भी पॉइंट पे कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप सिंपली उस पॉइंट के चैप्टर को वापस से देखकर उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। इसके अलावा भी वी कैन ऑलवेज चैट विद ईच अदर इन आवर प्राइवेट कम्युनिटी ग्रुप। इस ग्रुप में सारे स्टूडेंट्स इंक्लूडिंग मी एक दूसरे से चैट कर सकते हैं, फाइल्स शेयर कर सकते हैं, एंड ऑब्वियसली देयर इज मच मोर दैट वी कैन डू इन दिस ग्रुप।
लास्टली इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद यू विल बी रिसीविंग अ सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन जो कि आप प्रिंट करके अपने रिज्यूमे में ऐड कर सकते हो एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद यू विल फील कॉन्फिडेंट टू वर्क इन दिस सॉफ्टवेयर एंड अर्न अ लाइवलीहुड आउट ऑफ इट. सो दिस वॉज एवरीथिंग यू नीड टू नो अबाउट माई फर्स्ट कोर्स दैट इज गेटिंग स्टार्टेड विद अडोबी आफ्टर इफेक्ट्स. सो नाउ आई विल सी यू इन द क्लास.